हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे मिली बॉन्ग्स लाइफस्टाइल में, और आपको मेरे तरफ से दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो मेरी है बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट के ऊपर, क्योंकि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा है मुझे इंस्टा में कि दीदी ऐसा बताए, मैम ऐसा बताइए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली। तो मैं प्रैक्टिकली नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने जो पहले जो वीडियो बनाई थी प्रैक्टिकली, वो मेरी रिमूव हो चुकी है, क्योंकि ये यूट्यूब के रूल्स के खिलाफ है, जो मैं अब नहीं करने वाली, क्योंकि बिल्कुल उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी और अभी भी झेल ही रही हूँ। तो मैं इसीलिए इसको बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी पेरेंट्स हैं, न्यू पेरेंट्स हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे करना है और क्या नहीं करना है। ये ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, बट मेरे बड़े थे तो उन लोगों ने मुझे बता दिया था कि ऐसे ऐसे करना है। तो मैंने उन्हीं की बात सुन के किया है, पास जाना पड़ा, क्योंकि आधे डॉक्टर तो मेरे घर पर ही है, तो मुझे कभी जाना नहीं पड़ा। और मेरे बाबू को मैं पहले मतलब जब छोटा था ना, तब मैं उसे डेली मतलब उसके प्राइवेट पार्ट में ऑयल लगाती थी। जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो वो मुझे बिल्कुल छूने नहीं देता। फिर धीरे धीरे मैंने कोशिश किया था, बट वो उसको दर्द होती थी तो छूने नहीं देता। फिर मैंने जब वो वीडियो बनाया था, तब के बाद से वो अब बेटर है, मतलब वो तब से मैं उसको अब रेगुलर करते से ही, मतलब छोटे से ही उनको करना चाहिए ना, तो बड़े होकर बहुत दिक्कत जाती है। और अगर मतलब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर लास्ट ऑप्शन बताता है कि ऑपरेशन करो। तो मैं सलाह दूंगी कि ऑपरेशन की नौबत ही नहीं है, उसके पहले ही आप मतलब मेरा कहना है कि बेबी के जो प्राइवेट पार्ट है उसको आप डेली रेगुलर क्लीन करो ना, तो वहाँ जो वो बच्चे सुसु करते हैं ना, तो उसकी भी गंदगी लग जाती है, चिपक जाती है, तो उसको धीरे 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 मैल सा जमते 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 वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बंद हो जाता है, तब जाके डॉक्टर चीड़ा लगाता है। तो ये नौबत ना है, और उसको बचपन से ही उसको क्लीन करते रहो, उसको जो उसकी स्किन होती है ना उसको धीरे धीरे नीचे करके उसको धीरे धीरे कपड़े से, अच्छे साफ सुथरे कपड़े से उसको क्लीन करो, उसे मतलब गंदगी जरा से भी मतलब रहे ना, उसमें लगे ना रहे, उसको डेली करो, डेली कम से 2-3 बार जब भी मतलब कर सकते उतने बार करो, एक नहाते वक्त करो, एक जब मालिश करते हो तब करो, और बच्चे को 2 टाइम मालिश दिया करो, क्योंकि मालिश से ही बच्चे का बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। मतलब मालिश 2 टाइम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक सुबह एक शाम दिया करो, क्योंकि मालिश से बच्चे की जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है और उनको बहुत रिलैक्स भी लगता है, तो मालिश भी डेली किया करो। और दूसरी बात यह है कि जो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, कि अभी भी मतलब कंफ्यूज है बहुत लोगों को, मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चों को बचपन से ही, जब से वो जन्म लेता तब से उस पर ध्यान दो। और अगर बच्चा आईसीयू का क्लीन कैसे करे, तो क्लीन के लिए आप पहले जैसे एक मग्गे से पानी का धार बना लीजिए, हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए, या नहीं भी लेते तो डेली आप अगर मग्गे से आप पानी डालोगे उसके प्राइवेट पार्ट को रख के, और उसमें हल्का सा नारियल का तेल लगाएगा, बहुत लोग सरसों का बोलते हैं, वो भी फायदा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नारियल का तेल लगाने से उस पर जलेगा नहीं उसे, क्योंकि सरसों के तेल में आजकल बहुत झाझ होती है, तो उसमें जलने का भी, बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं, छोटे होते हैं, वो बोल भी नहीं सकते, तो उसको सरसों के तेल को अवॉइड करके उसके प्राइवेट पार्ट को, जिसके पूरी तरह से बंद हो जाते, धीरे धीरे आप कोशिश कीजिए, जितना आपसे पर हो सके आप कोशिश कीजिए कि उसको खोलने की, पहले तो उसमें हल्का सा ऑयल लगा लीजिए, उसको धीरे धीरे नीचे कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा दर्द देता है तो उसको उस समय ना कीजिए, फिर दूसरे दिन ट्राई कीजिए, मतलब बच्चों को तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, उस हिसाब से आप काम कीजिए। तो आप ये काम बचपन से ही कीजिए, मतलब बचपन से ही आपको ध्यान देना होगा इस पर, क्योंकि सामने का जो पॉइंट होता है सुसु करते हैं तो उसमें वो गंदगी धीरे धीरे चिपकते रहती है, चिपकते चिपकते वो बंद हो जाती है, तो उसकी फिर ये खुलती नहीं, फिर बाद में जाके वो डॉक्टर के पास जाके कट लगाओ, तो वो दुनिया भर का बताते हैं। तो इसीलिए आप अपने बच्चे को अभी से ध्यान दीजिए, मतलब छोटे से ही ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए खुद से खोलने की, खुद से आप उस प्रॉब्लम का सॉल्व कीजिए। तो धीरे धीरे आप तेल लगाइए, उसमें 2-3 बूंद तेल लगा लो, और नारियल का तेल,
और उसको धीरे पहले तो ऊपर की तरह करके उसको हल्का हल्का सॉफ्ट करो उस जगह को, फिर उसको धीरे धीरे नीचे करो, नीचे करके उसकी जो स्किन होती है उसको धीरे धीरे नीचे करो। अगर वो खुलती है तो ठीक है, ना तो फिर आप दूसरे दिन ट्राई करो। ऐसे करते करते एक ना एक दिन वो हो ही जाता है, और लोग नहीं करते हैं तो वो पॉसिबल हो जाता है। बट जैसे मेरा बेटा है अभी वो बिल्कुल भी करने नहीं देता, बड़ी मुश्किल से मैं उसको करती हूँ, तो भी मुझे उसको बहला फुसला के बहुत मतलब समझा उमझा के करना पड़ता है कि बेटा दर्द नहीं होगा, ये नहीं होगा, तब जाके वो मानता है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो भी मैं करती हूँ कि करना ज़रूरी है, जब तक 5-6 साल का ना हो जाए, खुद से कोई समझ ना हो, तब तक करना है आप लोगों को। तो वो अगर करते करते फिर धीरे धीरे वो इजिली खुलने लगेगा, और डेली उसको खोल के नारियल का तेल लगा के ऊपर नीचे करके फिर उसको ऊपर करके बंद करके फिर आप छोड़ दीजिए। ऐसे आप डेली करना है। और जिनके नहीं खुलते आप एक मैंने काली वाला भी बताया था कि आप तवे को मतलब कंडे लेके आप उसमें तवे को गर्म करके उसके जो काली होती है उसको भी लगा सकते, ये भी कर सकते, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आप तेल लगा के आप कर सकते क्योंकि वो बहुत ईजिली वो हर जगह अवेलेबल होता है, तो आप वो कर सकते। तो ये रहा ओपन करने का। और एक होता है जो पानी आप हल्का गुनगुना करके डालो या आप धार बना के, तो धार बना के छोटे बच्चे से कर लो बाथरूम में ले जाके, या कोई पकड़े रहे आपके साथ तो ऐसा भी कर सकते हो। मतलब आप अपने से ये चीज़ को ट्राई करो, और जितना हो सके डॉक्टर के पास मत जाओ, आप अपने से ही ये चीज़ को पहले से इसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो क्या है, आप बच्चे को भी तकलीफ नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा। ना तो ऑपरेशन करना सोचो कितना बड़ा टेंशन का काम है, बच्चों को कितना दर्द होता होगा, ब्लड आती होगी। तो उससे अच्छा आप पहले ही ये चीज़ को ध्यान दीजिए। और जो और एक बात है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो मतलब जो बुप्स होते हैं उसको हल्के से दबाना चाहिए, जो निप्पल होते हैं उसको दबाना चाहिए, उसमें पानी सा निकलता है। तो उसे भी आप लड़का लड़की दोनों का ही करिए, क्योंकि उसमें जो पानी होती है ना वो गंदा पानी होता है, वो बाद में जाके बड़ा हो जाता है, उसको फिर ऑपरेशन करना पड़ता है उसका भी। ये मेरी फैमिली में एक है, कोई है मतलब मेरे एक जानने वाले हैं, तो उनके साथ भी ऐसा ही था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग ये चीज़ को बहुत बारीकी से देखिए, ध्यान दीजिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, इस चीज़ का भी आप सॉल्यूशन कीजिए कि उसके जो बुक्स के उसको मतलब निप्पल है उसको दबा के अच्छे से पानी निकाल दो, 2-3 बार करो, तो फिर वो हट जाता है, उसको और करने नहीं पड़ता। और डेली मालिश करो, 2-3 बार करो, जितना आपका बन सके आप उतने बार मालिश करो बच्चे को, ताकि बच्चे का जो बोन्स होते वो अच्छे होते, और बच्चों को भी फ्री लगता है, अच्छा फ्लेक्सिबल होते, बच्चे एक्टिव होते। और ये ओपन करने वाली बात जो मैंने आपको मेरी वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो, तो सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं अभी और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को लेके आऊं। तो चलिए मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ फिर दूसरे ब्लॉग में। ओके बाय।